होटल में नौकरी किया था, बताया था ना जा रहा ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहले इन तीनों को ऐड कर दो, ठीक है? ऐसे करोगे तो 3a प्लस माइनस बी माइनस सी आ जाएगा, 3b माइनस ए माइनस सी आ जाएगा, कोई पैटर्न बन नहीं रहा। अगर मैंने ऐसे ऐड किया तो ये बी बी कटेगा, सी सी कटेगा, तो बचेगा सिर्फ ए। इन तीनों को ऐड किया तो ए कटेगा, सी सी कटेगा, तो बचेगा बी। इन तीनों को ऐड किया, बी बी कटा, ए कटा, तो बचा सी। एक जीरो आ जाएगा। हाँ, उससे माइनस करके फिर दूसरा भी बना सकते हैं। हाँ एक्चुअली मैं वो करूँ, देखो वही, देखो इधर जीरो बना लो या इधर बना लो जीरो या इधर बना लो जीरो, वही है, ठीक है ना? तीनों से हो सकता है। तो मैंने कॉलम वन की जगह कॉलम वन प्लस कॉलम टू किया, अज्यूम करो। तो बी माइनस सी, बी बी माइनस ए, सी माइनस बी, सी माइनस ए, सी एज इट इज। इन दोनों का एडिशन क्या आ रहा है? ए प्लस बी माइनस सी। इन दोनों का एडिशन ए प्लस बी, हाँ बिल्कुल, माइनस ही, और नीचे आ गया जीरो। अब यहां से ए प्लस बी माइनस ही बाहर आ जाएगा, ये आ गया वन वन, ए प्लस बी माइनस सी। अब एक काम करो, इन दोनों को ऐड कर लो। जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो यहां पे आ जाएगा जीरो, इन दोनों का एडिशन, और इन दोनों बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए, ठीक है? अब यहां से बी प्लस सी माइनस ए कॉमन, ये आ गया वन वन, राइट? अब एक वन वन के अंदर जीरो क्रिएट कर लो, दिस माइनस दिस कर दो, तो वन माइनस वन जीरो, वन माइनस जीरो ये बचा सी माइनस ए माइनस सी प्लस बी, सी सी कटेगा तो आ जाएगा बी माइनस ए, राइट? अब इस वन के लोगों को एक्सपेंड कर लो, तो दिस इंटू दिस सी माइनस दिस इंटू दिस, तो आ जाएगा माइनस बी प्लस ए, तो ए प्लस सी माइनस बी, तो ये चीज और ये दोनों चीज डन, ठीक है? और बोलो। हाँ जी, 33, 28 देख लो पहले। ठीक है, एक चीज ऑब्जर्व करो प्लीज, चाहे मैं ऐसे ऐड करूं चाहे मैं ऐसे ऐड करूं, इट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे ऐड कर लो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फर्स्ट कॉलम से बाहर आ जाएगा, बाकी बचेगा वन वन वन, टू ए बी बी स्क्वायर, वन वन आ गया, तो दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए कॉमन, तो ए माइनस टू बी, दिस माइनस दिस, बी कॉमन, बी माइनस, गलत कर रहा हूं, इसका ही करना था ना बस, तो दिस माइनस दिस आएगा, तो टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, तो बी कॉमन टू ए माइनस बी, ठीक है? ये आ गया। अब दिस माइनस दिस कर दो, वन माइनस वन जीरो, बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, बी कॉमन
दिस माइनस दिस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, राइट। अब अगर मैंने इसके अलोंग एक्सपेंड किया तो क्या आ जाएगा, दिस इंटू दिस, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, देखो ए इंटू ए माइनस टू बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस दिस इंटू दिस, दैट इज बी स्क्वायर इंटू टू ए माइनस बी इंटू बी माइनस टू ए। अब इधर से माइनस एन कॉमन लेके बाहर लेके प्लस हो गया, ये आ गया बी माइनस टू ए, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ओपन ही करना पड़ेगा, है ना, रुक जाओ। एक्चुअली में ये पता क्या बनेगा, हमें बनाना था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर, है ना, तो हमें बनाना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये तो बन गया, ये जो चीज है ये बन जाना चाहिए, और ये क्या चीज है, ए की पावर फोर प्लस बी की पावर फोर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी क्यूब माइनस टू ए क्यूब बी, ये बन जाना चाहिए, और ये दोनों एड होके क्या हो गया, थ्री, ये बन जाना चाहिए। अगर ये बन गया वी आर डन, है ना, तो हम वैसे भी मैक्सिमम जीरोस तो क्रिएट कर ही चुके हैं, राइट, तो डायरेक्टली ओपन कर लो, बस डायरेक्टली ओपन कर लो, और ये बन जाएगा, बन जाएगा, क्योंकि कुछ और की हुआ ही नहीं है इसके अंदर, वन 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 था ना, तो दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, जीरो बनाना ना, वन वन वन, जैसे ही वन 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 आ जाए तो उसके बाद क्या करना होता है अपने को, जीरो बनाना, वो जीरो अपने बनाए, बस बात खत्म, ठीक है ना। और बोलो, थर्टी थ्री, थर्टीएथ, ठीक है, ये प्रूव करना है। अगेन इसकी फैक्टराइजेशन करो जरा, ए क्यूब माइनस वन क्यूब लिख सकता हूं, तो ये आ जाएगा ए माइनस वन इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन का होल स्क्वायर, और मेरे को ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन दिखाई दे रहा है, तो तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड करके ए वन प्लस ए प्लस ए स्क्वायर बाहर ले लिया, वन 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 ए ए स्क्वायर वन ए ए स्क्वायर वन, नाउ दिस माइनस दिस, तो वन माइनस वन, वन माइनस ए, दिस माइनस दिस, तो ए माइनस ए स्क्वायर, कॉमन ए कॉमन लेके, ए कॉमन लेके वन माइनस ए, अच्छा दिस माइनस दिस जीरो, दिस माइनस दिस ए स्क्वायर माइनस ए, ए कॉमन लेके वन, दिस माइनस दिस, तो वन माइनस ए स्क्वायर, तो वन माइनस ए इंटू वन प्लस ए। अब देख लो इधर से वन माइनस ए कॉमन आ रहा है, यहां पे वन आ गया, यहां पे वन माइनस ए, तो ये वन माइनस ए, यहां से माइनस ए, हमें वन माइनस ए चाहिए, ए माइनस वन चाहिए, हमें ए माइनस वन कॉमन लो, ए माइनस वन कॉमन, इधर से ए माइनस वन कॉमन, तो बचा माइनस,
तो ए माइनस वन वो अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। अब इसके लोग एक्सपेंड कर दो ना, तो तुम्हारा दिस इंटू दिस आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस ऑफ वन प्लस ए इंटू वन, तो यही आ गया माइनस ए स्क्वायर। ओवरऑल माइनस कॉमन आके क्या बना, वन प्लस ए प्लस ए स्क्वायर इंटू ये वाला माइनस जो है इसके साथ ले जाओ, तो क्या बन जाएगा ए माइनस वन, ए माइनस वन इंटू ए माइनस वन, ए माइनस वन का इंटू वन प्लस ए स्क्वायर इसका स्क्वायर। तो आई होप बन गया, दो तीन स्टेप्स का ही था, क्लियर है? ये बनाया ना हमने ए माइनस वन का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन का स्क्वायर, तो ए माइनस वन का स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन का स्क्वायर, क्लियर है भाई? डिटरमिनेंट एक्सपेंड कर दिया, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, दैट्स इट। ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? यस सर। हाँ ऐसे ऐड कर दो या ऐसे कर दो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। अगर मैंने ऐसे ऐड किया तो माइनस सी माइनस बी कटेगा, तो इधर बचेगा ए, ए कटेगा, सी सी कटेगा तो बचेगा बी, ए एंड बी कटेगा तो बचेगा सी। सिर्फ इन दोनों को ऐड किया, एक्चुअली में तीनों को ऐड करना ही नहीं था, तीनों को ऐड करना ही नहीं था। इधर दोबारा बोलो क्या था, ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी माइनस बी, हमने सिर्फ इन दोनों को ऐड किया, तो इन दोनों को ऐड करके क्या जाएगा, सी कटेगा तो बचेगा ए प्लस, इन दोनों को ऐड किया सी सी कटा तो बचा, इन दोनों को ऐड किया तो माइनस ऑफ। अब यहां पे ये दोनों कॉलम्स एज इट इज आ जाएंगे, अगले स्टेप के अंदर फिर हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो माइनस ऑफ सी प्लस बी, इन दोनों को ऐड करके बी प्लस सी, इन दोनों को ऐड करके बी प्लस सी, ए कटेगा बी प्लस सी, माइनस बी माइनस ए, ए प्लस बी प्लस सी एवरेज। तो यहां से ए प्लस बी कॉमन लेके बाहर वन वन माइनस वन, यहां से बी प्लस सी वन वन वन। अब यहां पे जीरो क्रिएट करना है, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो। पहले अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया, यहां पे जीरो, इन दोनों को ऐड करके टू, इन दोनों को ऐड करके बी प्लस सी। अब इन दोनों को ऐड करके यहीं पे लिखना है, तो जीरो, इन दोनों को ऐड करके जीरो, इन दोनों को ऐड करके बी ए प्लस सी, ए प्लस सी ना, ए प्लस सी, राइट। अब इसके लोग एक्सपेंड कर लो, तो ए प्लस सी इंटू ये रो एंड कॉलम गया, दिस इंटू दिस जीरो, माइनस ऑफ माइनस टू, माइनस वन इंटू टू ना, माइनस ऑफ माइनस टू इज टू, तो दिस इंटू दिस, डन। ठीक है, पक्का? ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? यस सर। और बोलो सर, 32 करवा रहा हूं।
तो इसमें से मैंने दिस एंड दिस दोनों सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है? तो आर वन की जगह आर वन माइनस आर टू माइनस आर थ्री, तो दिस माइनस दिस किया तो आ जाएगा जीरो, दिस माइनस दिस, तो ए माइनस सी माइनस ए माइनस सी, ये आ गया दिस माइनस दिस, तो ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी, ए कटा तो माइनस टू बी, ठीक है? एंड ये बी एंड सी, ये ए प्लस सी, ये बी, ये सी, ये ए प्लस बी एज इट इज, राइट? अच्छा, इधर से माइनस टू कॉमन आ रहा है, ये आ गया। नहीं कुछ दिखाई दे रहा? क्या 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 यहाँ पे जीरो बना रहे हो? कॉमन कहाँ पे? सेकंड कॉलम में एक सेकंड, सेकंड, बाकी सब चुप। कुरिका कैसे कॉमन है यहाँ पे? ए प्लस सी में से सी कैसे कॉमन है? कॉमन कॉमन तो नहीं है, पहले तो ये समझो, अब बोलो। ओके अच्छा, अगर इस सिचुएशन में कभी फंस जाओ, सिचुएशन समझ पा रहे हो क्या है? कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो इन दैट केस एक चीज है जो हमेशा काम करती है, ठीक है? वो पता क्या है? इसमें से जबरदस्ती बी कॉमन लो, चाहे इधर नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें से जबरदस्ती सी कॉमन लो, तो इधर आ गया बी, इधर आ गया सी, इधर आ गया वन, इधर आ गया डिवाइडेड बाय बी, इधर आ गया वन, इधर आ गया वन, और इधर आ गया, अब ठीक है, राइट? अब मैंने पता क्या किया, दिस माइनस दिस कर दिया, तो से ये वन माइनस वन क्या हो जाएगा? अब मेरे को, मैंने किया दिस माइनस दिस ना, तो दिस माइनस दिस, तो ए प्लस सी बाय बी माइनस वन, तो ये आ जाएगा ए प्लस, ये वन है, दैट इज यहां पे आ जाएगा ए प्लस सी माइनस बी बाय बी, ये आ गया। अब दिस माइनस दिस, ठीक है, तो दिस माइनस दिस क्या जाएगा? वन माइनस ए प्लस बी बाय सी, तो सी माइनस ए माइनस बी बाय सी, तो सी माइनस ए माइनस बी बाय सी, राइट? अब इसके अलावा एक्सपेंड कर दो, सही, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वन इंटू क्या आ गया? डन है, अभी हो चुका है ये। वन इंटू क्या आया? दिस इंटू दिस। अब जब मैंने दिस इंटू दिस किया तो सीसी कटेगा, तो माइनस दिस इंटू दिस, तो बी बी कटा, तो ए प्लस सी माइनस बी, ठीक है? तो ये ऊपर होके माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये प्लस, और ये बी कटा, और ये सी कटा, क्या बचा? इनटू माइनस टू बी सी, तो फोर ए बी सी, एबीसी एबीसी ये सी एबीसी एबीसी देख रहे हो, इधर ए कॉमन है, इधर नहीं है, तो मैंने ए बी सी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इस ए को मैंने कॉलम वन से मल्टीप्लाई किया,
ठीक है। ठीक है, अब रो टू में देखो बी है, बी है, इधर बी नहीं है, तो मैंने कॉलम टू को बी से मल्टीप्लाई किया, इधर सी है, सी है, इधर सी नहीं है, तो कॉलम थ्री को सी से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने जो कॉलम वाइज मल्टीप्लाई किया, अब मैं रो वाइज कॉमन ले रहा हूं, तो देखो रो वन में ए ए ए कॉमन आके बाहर, रो टू से बी 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 कॉमन लेके बाहर, सी 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 कॉमन लेके बाहर, तो ये कटा, तो हमारा जो क्वेश्चन था वो ट्रांसफॉर्म हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ठीक है, समझ आ रहा है पक्का? ठीक है, अब ये जो पहले वाला क्वेश्चन था ना, ये वही चला गया, सेम कि b प्लस सी बी सी, ए ए प्लस सी सी, ए बी ए प्लस बी, और उसका आंसर था 4abc, तो इसका आंसर 4a2b2c2, राइट, बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन। क्या किया था उसके अंदर, सबसे पहले हमने इसमें से हमने ये दोनों के दोनों माइनस किए थे, तो रो वन के अंदर से रो वन माइनस रो टू माइनस रो थ्री किया, ठीक है ना, तो उससे क्या हुआ, यहां पे क्या आ गया, जीरो, यहां पे दिस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कटा, तो बचा इसका नेगेटिव, तो दैट इज माइनस ऑफ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक सेकंड को, एक सेकंड को, मैं शायद फिर ना बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अच्छा इसमें सही है माइनस करना, कॉलम वाइज करना, तो इसमें से जब मैंने ये और ये माइनस किया, ठीक है, दिस माइनस दिस माइनस दिस क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस गया तो बचेगा माइनस टू सी स्क्वायर, दिस माइनस दिस गया तो माइनस टू बी स्क्वायर, अब ठीक है, माइनस टू कॉमन ले लो, तो ये आ गया माइनस टू, अब इसमें से सी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो वन सी स्क्वायर कॉमन लिया ना, यहां से बी स्क्वायर कॉमन ले लो, वन वन, राइट, अब देखो ये क्या बन गया, वन प्लस ए स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, है ना, सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर वन बन जाएगा, तो वन प्लस दिस, और ये बन गया वन प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, अब जब मैंने दिस माइनस दिस किया तो वन माइनस वन जीरो, दिस माइनस दिस किया ये वन हटेगा, जब मैंने दिस माइनस दिस किया वन वन कटेगा, इसका नेगेटिव आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाय, अब इसके लोग एक्सपेंड करो, तो दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस जब किया तो बी स्क्वायर कट के बचा माइनस दिस इंटू दिस किया तो सी स्क्वायर कट के, तो माइनस टू ए स्क्वायर इंटू माइनस टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो कट के फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सेम तरीका, क्लियर है पक्का? और बोलो, स्विंग ऑफ कर दो इसका, मतलब यहीं पे चाहिए या कहीं और चाहिए? अगला बोलो, थर्टी सिक्स,
ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का होल क्यूब। देखो या तो इसको बी या सी के अकॉर्डिंगली ले लो। सर इसके ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब जो है वो तुम्हें आता नहीं है, ठीक है ना। खोलने को तो खोल ही सकते हैं, आइडेंटिटी बना सकते हैं, बट है नहीं, स्टैंडर्डाइज नहीं, बिल्कुल मतलब नहीं, ठीक है। देखो फर्स्ट रो के अंदर बी बी सी सी है ना, इधर ए ए सी सी ए ए बी बी, तो डेफिनेटली कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। तो कैसे, अगर हमने एबीसी बाय एबीसी किया और ये वाले ए को लास्ट वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, एंड इसको ए से कर दिया, इसको बी से कर दो, तो नहीं इसको सी से करो, सी 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 स्क्वायर, एंड इसको करो बी से, तो बी स्क्वायर बी बी। अब कॉलम वाइज मल्टीप्लाई किया, रो वाइज कॉमन ले लो। देखो इस रो में से सी कॉमन, सी सी सी, इस रो में से ए कॉमन, ए ए ए, इस रो में से बी कॉमन, तो B, B एंड B, ते गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये क्या बना, बी स्क्वायर प्लस बी सी, ये बना ए बी प्लस ए सी, ये ए सी प्लस सी स्क्वायर, ये ए बी प्लस बी सी, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये ए सी प्लस सी बी। अब देखो अगर मैंने इन तीनों को ऐड किया तो बी स्क्वायर कटेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, सी स्क्वायर कटेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए स्क्वायर कटेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो जब मैं इन तीनों रो को ऐड करूंगा, सॉरी कॉलम्स को, तो इधर क्या बन जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन लेके वन वन वन। अब आगे देख सकते हो वन माइनस वन क्रिएट करके हो जाएगा। तो अभी तक के काफी क्वेश्चंस के अंदर वही एबीसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ए को एक पर्टिकुलर रो या कॉलम से मल्टीप्लाई किया, बी को सी को, और रो वाइज अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कॉलम वाइज हम कॉमन ले रहे हैं, राइट।
फिर जो फॉर्म आ रही है उस फॉर्म को हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझ रहे हो ना, तो ये चीज को भी याद रखना, ठीक है। और बोलो 40, हाँ जी 40th, ऑनलाइन 40th से पहले कोई 40th, देखो देखो, इधर से बी कॉमन आ रहा है, ये आ गया बी स्क्वायर, बी बी स्क्वायर, इधर से सी, सी स्क्वायर, सी स्क्वायर, सी, इधर से ए, तो ए, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, तो ए बी सी कॉमन। अब देखो इसको ओपन कर लो, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया। अब अगर मैंने इन तीनों को ऐड कर दिया तो माइनस बी स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तीनों के अंदर बन जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो बाहर आके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वन वन वन। अब कर सकते हो पक्का, ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? ठीक है, और बोलो, और बोलो, बस इतने थे? अच्छा, क्वेश्चन ही आने तक दिए थे। देख लो, अभी भी तसल्ली कर लो, कोई भी डाउट है तो बोल दो। अब मैं कल के लिए ज्यादा नहीं दूंगा, ठीक है। पिछले वाले जितने भी डाउट्स आए हैं, जिसके जितने भी आए हैं, वो कवर अप करो, वो खत्म करो, ठीक है ना।